रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं, पीएम आवास योजना ग्रामीण में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। सीएम गहलोत ने विभाग और जनप्रतिनिधियों को इस दौरान बधाई दी है। साथ ही 2021-22 में 3.97 लाख परिवारों को लाभ देने का लक्ष्य है। ग्रामीण इलाके में पक्के आवास उपलब्ध कराने से योजना जुड़ी हुई है, जिससे आम लोगों को, जरूरतमंदों को इसका फायदा मिल सके, और इसीलिए ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम गहलोत ने विभाग और जनप्रतिनिधियों को इस दौरान बधाई दी है। पीएम आवास योजना ग्रामीण में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर आया है और सीएम गहलोत ने विभाग और जनप्रतिनिधियों को इस दौरान बधाई दी है। आवास योजना आम लोगों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए 33 लाख परिवारों को ये जोड़ा गया और परिवारों को इस दौरान ये मदद मिल सकती है। अब तक 5500 रुपये की सहायता उपलब्ध की और राज्य सरकार ने 800 पर वहन है। 33 लाख परिवारों को 1000 की दूसरी किश्त जारी की गई है। तो ये स्पीच बड़ी और अहम खबर, क्योंकि 33 लाख परिवारों की दूसरी किश्त जारी, जो जरूरतमंद आजीविक परिवार है उनके, और अब तक 5500 रुपये की सहायता ऐसे परिवारों को उपलब्ध कराई गई है और इसके लिए सरकार की कोशिशें तेज, क्योंकि 33 लाख परिवारों को इसमें जोड़ने की कोशिश है। अब तक 33 लाख परिवारों को 1000 की जो दूसरी किश्त है वो भी जारी की गई है, यानी कि 33 लाख ऐसे परिवार जो कि जिनके ऊपर आजीविका का संकट था, अब ऐसे में उनको 5500 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है। और इसके लिए अतिरिक्त बोझ जो कि राज्य सरकार के ऊपर पड़ा, उसका वहन भी राज्य सरकार ने किया। 1815 जो करोड़ रुपए हैं वो अतिरिक्त बोझ इसका राज्य सरकार के ऊपर पड़ा, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह बताते हुए कहा कि बेहतर तरीके से इस काम को किया है और आर्थिक संकट या जो आजीविका का जो संकट आम लोगों के ऊपर, जरूरतमंद लोगों के ऊपर जो बना हुआ था, ऐसे में उन परिवारों को ये आर्थिक मदद दी गई है।